धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। राजस्थान के शहर श्री गंगानगर में चक नारायण सिंह वाला, वहाँ मस्ताना जी ने एक डेरा भी बनाया था। तकरीबन आप एक महीना वहाँ रुके थे। वहीं पर एक बाग था जो मस्ताना जी ने खरीद लिया था और संगत को दूर दूर तक समाचार कर दिया कि फलाने दिन बाग को लुटाया जाएगा। सभी संगत जहां चक में आए, समाचार सुनते ही बहुत संगत इकट्ठी हो गई। मस्ताना जी ने संगत को हुक्म दिया, ये बाग संगत को लुटाने के लिए सतगुरु के हुक्म से हमने खरीद लिया है। आप सभी संगत जितना चाहो बाग को लूट लो। तो सारी संगत ने बाग में से जो भी फल वगैरह लगे हुए थे सारे तोड़ लिए। जो बाग थोड़ी देर पहले हरा भरा फलों और फूलों की खुशबू से महक रहा था, वो बिल्कुल ही उजाड़ दिया। जल्दी जल्दी में फल तोड़ने के लालच से प्रेमियों ने कच्चे फल भी तोड़ दिए और बूटों की टाँणियाँ वगैरह भी तोड़ दी। बाग लुटाने के बाद मस्ताना जी ने सारी संगत को चेतावनी देते हुए फरमाया कि देखो भाई, जैसे आपने बाग को लूट लिया है, इसी तरह ही एक दिन मौत भी आएगी और आप सबको लूट के चली जाएगी। अगर उस मौत से बचना है तो हर वेले भजन सिमरन करते रहो। पूजा परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि मौत का कोई टाइम नहीं, कब आ जाए। काल की हथकड़ियाँ बहुत मजबूत है, वो किसी को नहीं छोड़ता। जिस तरह वो मारने वाली ताकत काल भी इंसान के अंदर है, उसी तरह वो छुड़ाने वाली ताकत सतगुरु भी हमारे अंदर ही बैठा है। अपने अंदर वाले राम को हनुमान की तरह स्वास स्वास जपते रहो। कबीर जी ने अपनी बाणी में कहा है, एक दिन घोगड़ा सिरे, एक दिन काल आ सिरे, घाल गले में डोर जीवड़ा, तने पकड़ ले जासी रे। पूजा मस्ताना जी बहुत बार फरमाया करते थे कि अहंकार किस बात का है, इंसान की मूली जितनी जड़ नहीं, फिर भी सारी दुनिया का ठेका लेके बैठा है। पूजा परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि जिस तरह हम दुनियादारी का काम टाइम सिर करते हैं, उसी तरह ही जब तक हम भजन सिमरन के लिए टाइम फिक्स नहीं करते, हम कभी भजन पर बैठ ही नहीं सकते। कबीर जी फरमाते हैं, सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। आप जी फरमाते हैं, जब आपके पास हर तरह का सुख था, उस टाइम आपने भजन सिमर ना किया, संसारी कामों में ही उलझा रहा। जब दुख और परेशानी वाला टाइम आया, अब आप उस मालिक को याद कर रहे हो। ये तो सरासर सौदेबाजी है। अब उस मालिक की मर्जी है कि तेरी फरियाद सुने या ना सुने। ये जान कुर्बाने का सौदा है, जिंदा मरने का सवाल है। अभी भी टाइम है, नहीं तो ये सवाल बन के ही रह जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।